हमारे चैनल तलबिया क्रिएटिव। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं कैरेमल पुडिंग, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊं। तो चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैन लिया, उसके अंदर हमने 2 बड़े चम्मच चीनी के लेने हैं और अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है। आप देखें ओनली फॉर मेल्टिंग, आपने इसे हल्का सा हिलाना और फिर छोड़ देना और फिर आपने इसे स्टर बिल्कुल भी नहीं करना। और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपको इसे पकाना है। यहाँ हमारी कैरमल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और दूसरी तरफ हम अपना मिल्क रेडी करेंगे। हमने यहाँ पे 500 ml दूध लिया है और इसमें हम 1 यानी कि आधा कप हम चीनी का डालेंगे। हमने इसे बॉयल नहीं करना, सिर्फ नीम गर्म करना है। जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तब हम अपने दूध को फ्लेम से उतार देंगे। अब हम अपनी कैरमल को किसी भी मोल्ड में डाल देंगे जिसके अंदर हमें अपनी पुडिंग को बनाना है। सेम टू सेम इसी तरह हमने अपनी कैरमल को फैला लेना है। अब यहाँ पे हमने लिए हैं 4 अंडे, अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे हमने अपने अंडे अच्छे से फेंट लिए हैं। अब अपने दूध को हमने जो कि हमने पहले ही गर्म किया था हमने अपने अंडों के अंदर डाल देना है। हमने इसे अच्छे से हिला लेना है। अब हमने इसे छान के अपने पैन में डाल लेना है। अब हमें इसे फॉइल पेपर से कवर कर देना है। अब हमने किसी भी छुरी की मदद से इसके अंदर हल्के हल्के होल कर देने हैं। क्योंकि हमें अपनी पुडिंग को स्टीम करके बनाना था तो हमने सबसे पहले पानी को गर्म किया, बॉयल किया, ऊपर हमने स्टीमर वाली जाली रखी और अब हम अपनी पुडिंग का मिक्सचर इसके ऊपर रखेंगे। आपने बहुत एहतियात से रखना है कि ज़्यादा हिले नहीं और इसको कवर कर देना है और ये तकरीबन आधे घंटे में बन जाएगी, बल्कि उससे भी थोड़ा टाइम लगेगा, आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि हमारा पानी पहले ही बहुत ज़्यादा बॉयल हो गया था तो ये जल्दी ही बन जाएगी। गाइस यहाँ पे हमारी पुडिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। सॉरी मैं पहले बनाना याद नहीं रही, मैंने खुद ही पहले से ही इसे खा लिया, लेकिन मैं आपको अब दोबारा इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ ये कैसी है और अंदर से इसका कैसा लुक है। यहाँ देख सकते कितनी फ्लफी है ये है? ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।